ठीक सर, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं और डिस्कस करने जा रहे हैं अपना डेटा हैंडलिंग का टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं आज आपके साथ। और हम बात करेंगे सॉर्टिंग एंड एडवांस सॉर्टिंग की। तो सॉर्टिंग पे आज की हमारा ये सेशन है कि कैसे हम सॉर्ट करते हैं और सॉर्ट का बेनिफिट क्या है, इसके बारे में हम आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले सॉर्ट को समझिए। बेसिकली अल्फाबेटिक या न्यूमेरिकल वे में एक तरीके से सॉर्ट करना, मतलब किसी एक डेटा के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना सॉर्टिंग होता है। जैसे कि मान लीजिए कि दिल्ली है, तो हमने दिल्ली को अल्फाबेटिक सेट किया कि ए से बी से सी से अल्फाबेटिक सॉर्ट हो जाए। उसकी जरूरत पड़ती है क्योंकि मान लीजिए कि आपने अपना रिजल्ट ही उसको आपके स्कूल में आपका रिजल्ट का पोस्टर लगा हुआ है, नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, अगर वो आपके नाम के अल्फाबेटिक के अकॉर्डिंग होगा तो आपको पता है कि आपका नाम अगर विजय बी से स्टार्ट, वी से स्टार्ट है, तो वी वाले ही सबसे नीचे देखेंगे, आपको पूरा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेम उसी तरीके से हम जो शॉर्ट करते हैं ताकि हमारा एक पर्टिकुलर कंडीशन पे हमारा शॉर्ट हो। तो शॉर्ट करने के लिए डेटा की सिलेक्शन जरूरत है कि नहीं है, ये सबसे पहली चीज होती है। तो अगर आपका डेटा में कोई ब्लैंक नहीं है तो डेटा को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर डेटा कोई ब्लैंक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे कंट्रोल प्लस कर देते हैं तो ये ब्लैंक हुआ, तो यहाँ पे अगर हम सिलेक्ट करके अगर सॉर्ट ना करेंगे तो ये कंट्रोल ए मतलब इतना एरिया ही सिलेक्ट होगा, इससे नीचे का एरिया आपका सिलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, इसलिए देख लीजिएगा इस बारे में आप। अब जो है मुझे अगर किसी एक के अकॉर्डिंग करना है, मान लीजिए मुझे सिर्फ डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग करना है, तो डिपार्टमेंट में कर्सर रखूंगा और यहां पे सॉर्ट में जाकर सॉर्ट ए टू जेड या जेड टू ए कर दूंगा तो ये सॉर्ट हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे डिपार्टमेंट के बाद जो सिटी है सिटी भी सॉर्ट हो, क्योंकि सिटी जैसे हमारे सेल्स में देखिए कि डिजिजन है, दिल्ली है, फिर डिजिजन है, तो ए भी इकट्ठा सॉर्ट हो। मतलब कि हमें जब दो और दो से ज्यादा कंडीशन पे शॉर्ट करना होता है तो हम लोग कस्टम शॉर्ट का इस्तेमाल करते हैं। कस्टम शॉर्ट, इसमें हमने डिपार्टमेंट लिया और यहां से एड लेवल करेंगे तो यहां पे हमारे पास आता है दूसरा टॉपिक, जैसे कि हमने सिलेक्ट कर लिया सिटी कोड और इसको भी शॉर्ट कर दिया, तो दोनों अपने हिसाब से शॉर्ट होते हैं। ऐसी तरह से दो या दो से ज्यादा की वैल्यू आप शॉर्ट कर सकते हैं। ये चीज इतनी नॉर्मल है, मोस्टली लोगों को आता ही है। लेकिन अगर हम कस्टम शॉर्ट से आगे बात करें, जैसे कि मंथ की बात करता हूं, तो अगर मान लीजिए मैंने मंथ के हिसाब से शॉर्ट किया तो क्या होगा कि यहां पे सितंबर पहले आया, अक्टूबर आया, इस तरह से आया, या फिर जो हमारा अल्फाबेटिक है जनवरी पहले नहीं आएगा, तो मुझे कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है। तो उसके लिए हम कस्टम सॉर्ट पे मंथ में यहां नीचे देखिएगा एक कस्टम लिस्ट होता है, इस कस्टम लिस्ट को सिलेक्ट करते हैं और कस्टम लिस्ट में हमें यहां पे बहुत सारे सॉर्ट है, जैसे कि यहां पे देखिए जैन, तो जनवरी फरवरी मार्च हमने यहां पे सिलेक्ट करके ओके किया एंड यहां इसको हम ओके करते हैं, तो ये जैन से दिसंबर तक हमारा शॉर्ट हो गया। तो सिर्फ जनवरी फरवरी नहीं, मान लीजिए मैं डिपार्टमेंट को अपने सीरीज के अकॉर्डिंग या फिर मान लीजिए सिटी को अपने सीरीज के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि दिल्ली, जीजीएन, नोएडा एक जगह पर आना चाहिए, तो इस तरह की भी सॉर्ट हम खुद से क्रिएट, सॉर्ट की जो कंटिन्यूसी है वो खुद से क्रिएट कर सकते हैं यहां कस्टम शॉर्ट पे जाके, कस्टम शॉर्ट। और यहां पे हम कस्टम लिस्ट में जाएंगे और कस्टम लिस्ट में हम अपने लिए अपनी जो सिटी है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये सिटी है, ये सिटी लिस्ट हमने तैयार कर लिया, तो हमने यहाँ पे इसको हटा देता हूँ कि तो मुझे दिल्ली, पुणे, नोएडा, पुणे हटा देता हूँ, इस तरह से आए चाहिए, और मैंने इसको ऐड कर दिया देन ओके और फिर इसको ओके करता हूँ।
तो यहां पे एक मिनट, कुछ गलत तो नहीं कर दिया हमने? मंथ में ले लिया, या चेंज करना होगा या सिटी कोड करना पड़ेगा ना। अब देखिए, पहले दिल्ली आया फिर नोएडा आया, तो आप अपने हिसाब से भी इस तरह से शॉर्टिंग लिस्ट जो है बना सकते हैं, ठीक है। पर एक साथ दो जगह सॉर्ट लगा सकते हैं क्या? जी एक साथ दो जगह सॉर्टिंग कर सकते हैं क्या एक एक टाइम में? हाँ कर सकते हैं, लेकिन वो एक पहला जैसा भी किया था ना, आईटी डिपार्टमेंट और सिटी भी किया था हमने। सर वीडियो में थोड़ा रुक रुक के चल रहा है, तो फिर बीच में ब्रेक हो गया था शायद। जैसे कि हम यहाँ बचकर शॉर्ट में जाते हैं और यहाँ पे हम यहाँ से ऐड ग्लोबल करेंगे और यहाँ से अपने फील्ड को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन ये तो वैल्यू के अकॉर्डिंग शॉर्ट हुई, इसमें और क्या हो सकती है? वैल्यू पे क्लिक करोगे तो यहां पे हमारे पास ऑलवेज शेयर शॉर्टिंग है। जैसे कि मैं चाहता हूं सेल कलर के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना, मान लीजिए कि हमने अपना इस पे नेम में कहीं कहीं पे कलर कर दिया हुआ है, और मैं चाहता हूं जैसे हम लोग क्या करते हैं कि रिकॉन्सिलेशन करते हैं, या फिर हम लोग कुछ करते हैं, उसको क्यूसी करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं, तो जो गलत होता है या जो हमें दोबारा से चेक करना है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको चेक कर देते हैं। अब मुझे जितने भी कलर है इन कलर को ऊपर रखना है, जो आप कलर दिख रहा है इन कलर को हमेशा मुझे ऊपर या नीचे एक जगह पे करना है। तो किराए तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ कस्टम शॉर्ट पे आएंगे और यहां जैसे हमने नेम को सिलेक्ट कर लिया और यहां पे सेल वैल्यू है, अब सेल वैल्यू को किस जगह पे हमने सेल का कलर चूज किया और इसमें से कौन सा कलर चाहिए, हमने येल्लो सिलेक्ट कर लिया, ऑन द टॉप या ऑन द बॉटम? ऑन द टॉप चाहिए या ऑन द बॉटम चाहिए? हमने टॉप को सिलेक्ट किया एंड ओके, टॉप में टॉप पे चला गया। ठीक है, उसी तरह से अगर आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कोई आइकन्स लगा रखा है, जैसे मैंने आइकन लगा दिया, तो आप आइकन के अकॉर्डिंग भी शॉर्ट कर सकते हो कस्टम शॉर्ट में। यहां हमने बोनस को सिलेक्ट किया और यहां पे हमने सेल कलर के जगह फॉन्ट कलर, फॉन्ट कलर यहां पे कंडीशन फॉर्मेटिंग आइकन दिख रहा है, सेल आइकन भी कहते हैं या फिर कंडीशन फॉर्मेटिंग आइकन भी कहते हैं। अब यहां से हम अपना आइकन चूज कर लेते हैं, हमने बोला कि भाई जो टॉप है वो आना चाहिए ऊपर में, और फिर मैंने हमें वापस लेवल ऐड किया और मैंने बोला कि बोनस जो है इसकी कंडीशन फॉर्मेटिंग में हमने इसको सिलेक्ट किया, और जो मैंने बोला कि इसकी जो मिडल है वो यहां आना चाहिए, उसके बाद फिर ऑन दे, फिर हमने बोला बोनस। इस तरह से कई सारे कंडीशन फॉर्मेटिंग एक साथ लगा सकते हैं आप, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, शॉर्टिंग लगा सकते हैं एंड ओके। यहां पे देखिए, अब इसमें अगर हम आगे चले कुछ और एडवांस चीजों पे, सर बोलिए। सर हेलो सर, एक क्वेश्चन था। सपोज करिए मैं अगर इसमें दो कलर के अलावा दो कलर और साथ में, वो सारे और कलर मैं लिस्ट चाह रहा वहां हूं पे, कि मेरा ग्रीन, सारे कलर लिस्ट वहां पे आ जाएंगे। अब दो तीन चार जो कलर करना कर सकते हो चाह जाएंगे सर आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे एक जैसे बार करके दिखा देंगे यहाँ अगर। पे देखा है ना, तीन आ गए ना, जैसे यहाँ पे और भी कलर्स आ जाएंगे, आप ट्राई करके मुझे ऑर्डर देखिए। में चाहिए ना, जैसे कि हाँ तो ऑर्डर आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना, जैसे हमने
ऑर्डर डिसाइड किया ना कि भाई अपर के बाद मिडल होना चाहिए, ठीक है ऐसे ऑर्डर डिसाइड करना पड़ेगा ना आपको। ओके मैं कंफ्यूजन है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। आप डायरेक्ट अरुण जी डायरेक्ट आप वीवीए के लिए जा रहे थे, ये सब चीज आपको परेशान करता वहां पे वीवीए में, मैंने आपको सजेशन दिया था इसीलिए। देख तो गुरु गुरु तो इसलिए होता है सजेशन। कस्टम शॉट और यहाँ पे हमने इसको डिलीट करता हूँ, डिलीट डिलीट डिलीट। मान लीजिए कि एड लेबल हुआ, यहाँ पे मैंने फुल नेम में सेल वैल्यू की जगह पे सेल कलर, और हमने यहाँ पे देखा दोनों कलर आ गया ना, येलो कलर ले लिया। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि नहीं इसकी जो ग्रीन कलर है वो भी आना चाहिए, तो मैं एक बार और फुल नेम कर लूंगा, बोलूंगा कि भाई सेल कलर येलो के नीचे ग्रीन आना चाहिए, ठीक है। ऐसे को तीसरा चौथा पांचवा कलर है ऐसे डिसाइड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब सर इसको तो मैं भी कर सकते हैं सर, मैं इसकी लिमिटेशन मतलब मैं इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया कि मैं गलत क्यों बोलूं कि आप 500 कर सकते हो, मैंने कभी डिसाइड नहीं किया कि कितना हो सकता है, लेकिन मतलब डेट के हिसाब से जैसे वीकडे चाहिए या डेली में चाहिए तो हम उसे फिल्टर ला सकते हैं। हाँ अब इसमें बात करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे मान लीजिए कि सिटी कोड ले लिया, हेलो उसका, तो सिटी में या कोई भी कॉलम में जिसके अकॉर्डिंग आप सॉर्ट करना चाहते हैं, तो वहां पे जो कैपिटल लेटर है वो इकट्ठा एक जगह आना चाहिए। तो जैसे कि हम सॉर्ट करते हैं, मान लीजिए सिटी कोड ले लिया ए टू जेड, तो ऊपर यहां ऑप्शन होता है, ऑप्शन में यहां देखिएगा केस सेंसिटिव दिखेगा। अगर केस सेंसिटिव सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर हम यहां पे ओके करते हैं, तो आपका जो कैपिटल लेटर है वो यहां नीचे एक जगह हो जाएगा और स्मॉल लेटर एक जगह हो जाएगा, ये भी आप चाहो तो कर सकते हो। दूसरा चीज, अभी तक जो आपने शॉर्ट किया है टॉप टू बॉटम किया है, आप चाहो तो लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हो। जैसे कि मैं यहां पे देता हूं कि मंथ और यहां पे दे दिया मैंने डे, तो मैं चाहता हूं शॉर्ट करना टॉप टू बॉटम में लेफ्ट टू राइट, तो इसको सिलेक्ट किया मैंने और उसके बाद हम जाते हैं कस्टम शॉर्ट पे। अब यहां पे हमने ये दिख रहा है ना आपको, लेकिन अगर ऑप्शन में जाऊं मैं और मैं कहूं शॉर्ट लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट करेंगे तो यहां पे हमारे पास रोज आएंगे, तो मैंने बोला कि रोज टू के अकॉर्डिंग स्मॉलर टू लार्जेस्ट करना है, हो गया। चलिए अभी जो मैं बताने वाला हूं उसको प्लीज ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपसे मैं आपको एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जो कि आपको अगली क्लास में बताना है। बेसिकली हमें क्या करना है इसमें कि हमारे पास जो डेटा दिख रहा है इसमें हर एक डेटा के नीचे एक ब्लैंक रो को इंसर्ट करना है इस तरह से, ठीक है, ब्लैंक रो इंसर्ट करना है। तो एक एक करके हम करेंगे तो ये 100 का या 1000 का डेटा है तो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। वीवीए प्रोग्रामिंग हमें आती नहीं है, अभी फिलहाल हमने सीखी नहीं है तो हम वीवीए करना नहीं चाहते।
तो उसके लिए तरीका एक क्या है? तो बेसिकली हम इसमें जो है ये करेंगे, कि सबसे लास्ट में एक कॉलम इंसर्ट करेंगे सीरियल नंबर का, और यहां पे वन एंड टू दो कॉलम हमने रख दिए, और इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देता हूं। उसके बाद हम इसको सेलेक्ट करते हैं। देखिए, सेलेक्ट करने से पहले जो सीरियल नंबर हमने लिखा है उसको कॉपी करके उसी के नीचे हम एक बार उसी को रिपीट कर देते हैं। अब क्वेश्चन ए थ्योरी ये कहती है कि हम जब हम सॉर्ट करेंगे सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग, तो ए वन और नीचे वाला वन दोनों इकट्ठा हो जाएगा। तो एक वन पे तो डेटा है, दूसरे रो वन जो है वो ब्लैंक है। तो उस केस में पूरे को सिलेक्ट करते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास यहां कस्टम सॉर्ट के अंदर दिल्ली, यहां पे दिल्ली के जगह पे एक मिनट नहीं, यहां पे ऑप्शन पे आते हैं, ऑप्शन टॉप टू बॉटम सही है, केस सेंसिटिव माई डेटा है जो ही देर, एक मिनट हमने गलती गलत हमने हीडिंग हेडिंग सेलेक्ट नहीं किया है लग रहा है, हेडिंग सेलेक्ट करना पड़ेगा नीचे तक। और अच्छा, आप लोगों ने कल की होमवर्क नहीं करके भेजा मुझे, मैं भूल ही गया था। तो यहां पे मैंने सीरियल नंबर लिया और स्मॉलर टू लार्जेस्ट में इसको सॉर्ट कर दिया, तो आपने देखा कि हर एक में ब्लैंक रो इंसर्ट हो गया। तो ब्लैंक रो इंसर्ट करना समझ में आया, उसके बाद सीरियल नंबर को आप डिलीट कर दीजिए। तो हर एक डेटा के बाद हमारा एक ब्लैंक रो इंसर्ट हो गया, समझे? अब इसके होमवर्क लिखिए, और प्लीज आप लोग होमवर्क करके भेजिए मुझे। मैं चाहता हूं बेसिकली मेरी जो डेटा है वो तीन के बाद चौथे नंबर, मतलब कि तीन को करके चौथे नंबर पे उसका टोटल करना है। तो हर चौथा नंबर मैं चाहता हूं कि ब्लैंक रो इंसर्ट, समझ गए? और हर कॉलन के बाद एक ब्लैंक कॉलन चाहिए। तो दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं जिसपे आपको रिसर्च करना है, नहीं वो कल मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन